रचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे, और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है, और उसमें बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई भारी हिस्सा नहीं है वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं, और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए हैं, और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई, वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है, और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैचारिक स्तर पर आप देख लें, मैं थोड़ा गंभीर बात कर रहा हूं, पता नहीं आप लोग इसको कितना दिखाना चाहेंगे, कितना इसमें इंटरेस्ट लेंगे। कांग्रेस ने बार बार कहा कि हम सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर विचारधारा के आधार पर हम काम करना चाहते हैं। सेकुलरिज्म में कोई गलत बात नहीं है, गांधी जी लेके आए थे सेकुलरिज्म की विचारधारा हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर की है, लेकिन गांधी जी के सेकुलरिज्म में धर्म का विरोध नहीं था, वो सर्वधर्म संभाव था, सभी को साथ में लेकर चलते। लेकिन उसको एडॉप्ट किया नेहरू जी ने, जिसको हम नेहरूवियन सेकुलरिज्म कहते हैं, और नेहरूवियन सेकुलरिज्म में सबसे पहले धर्म का ही विरोध है। वो विचारधारा चलती रही, गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में एक लीड ली, इस देश के तमाम लोगों के बीच वो जो विचारधारा थी नस नस में चली गई। बाद में नेहरू जी ने टेक ओवर किया, लगभग 17 वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री, और जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था वो धीरे धीरे लोगों के नसों में चला गया। तो एक भूमिका होती थी कि नहीं ये गलत है, ये सही है, धर्म का जो आग्रह है उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, उसकी लिमिट होनी चाहिए। लेकिन जैसे सारी विचारधाराओं का एक टाइम लिमिट होता है या उसकी एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद वो विचारधारा मर जाती है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कम्युनिज्म है। 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिज्म आता है, और रशिया में कम्युनिज्म की क्रांति होती है, रशिया में इतना बड़ा एक कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है, उसका पूरी दुनिया में इसका प्रचार होता है। लेकिन 1991-92 आते आते पूरे कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह होता है और कम्युनिज्म खत्म हो जाता है, मतलब उस विचारधारा की उम्र खत्म हो गई। बिल्कुल 70 वर्षों के बाद आज हिंदुस्तान में जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, जिसमें धर्म के आग्रह का विरोध होता है, धर्म के अस्तित्व का विरोध होता है,
धार्मिक होने का विरोध होता है उसकी उम्र अब खत्म हो चुकी है, और इसको मानने समझने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि उन नेहरूवियन सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा तेजी से लेकर चलने वाले लोग हैं वो कम्युनिस्ट हैं, हिंदुस्तान के लेफ्टिस्ट हैं, वो खुद ही खत्म हो चुके हैं। परसों में एक चैनल पे बोल रहा था कि पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग, ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं जो अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उनका सिरे से विरोध करेंगे। सिर्फ लेफ्टिस्ट ऐसा सोचता है, क्योंकि उनके जो प्रवर्तक थे विचारधारा के कार्ल मार्क्स, वो कहते थे धर्म अफीम है, धर्म का विरोध करते थे, तो वो धर्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, धर्म की आस्था में विश्वास नहीं करते। कई लोगों को रामलला विराजमान का जो एक कार्यक्रम था, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन था, उसके लिए बुलाया गया था, और सब लोग सरकार से या बीजेपी से सहमत हों ऐसा नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने बड़े प्यार से सम्मान से कहा कि साहब धन्यवाद, आपकी चिट्ठी मिली, आज अभी फुर्सत नहीं, बाद में कभी हम आ जाएंगे। लेकिन किसी ने भी उस पूरे आयोजन, पूरे उत्सव के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अकेला कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी है जो कहती है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, और उस आधार पर उन्होंने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया, और राम के होने पर और राम के प्रति जो आस्था है उस आस्था को ही नकार दिया। बाद में बड़ी फजीहत हुई, और उसके बाद 3-4 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसके ऊपर जवाब देते रहे। यह लेफ्टिस्ट अप्रोच था, लेफ्टिस्ट प्रभाव था, यह कम्युनिस्टों का प्रभाव था कांग्रेस पर। आज हालात यह है कि यह हिंदुस्तान पूरी तरह से धार्मिक हो गया है। पहले जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्मकार मंदिरों में जाने से कतराते थे या मंदिरों में जाने जाते हुए दिखने से कतराते थे, आज गर्व से जाते हैं। ये जो धर्म का जो आग्रह है इसमें कहीं से गलत नहीं है, इसमें कहीं से ये नहीं कहा जा रहा कि दूसरे धर्मों से नफरत करिए। बाकी धर्म के लोग भी उतने ही अपने धर्म के प्रति आग्रह रखते हैं, लेकिन यहां पर जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था उसने कहीं ना कहीं लोगों को हिंदू धर्म को मुख्य धारा से बाहर कर दिया था, और हिंदू धर्म में आस्था रखना मतलब कोई गुनाह है या ब्लास्फेमी जैसा है, धर्मद्रोह है, इस प्रकार की एक भूमिका बन गई थी। आज कांग्रेस पार्टी वैचारिक स्तर पर अगर इस खांचे में देखें तो पूरी तरह से इरिलेवेंट हो गई, इस खांचे से बाहर हो गई। इसलिए लगातार लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या अंदर अंदर कसमसा रहे हैं। तो वैचारिक आधार पर हालत खराब है, संगठनात्मक स्तर पर पूरा बिखरा हुआ है मामला। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखता, सुबह कुछ बयान, शाम को कुछ बयान। जो नारे हैं ऐसे नारे हैं जो उनके घर में भी एक बार से दोबारा नहीं बोला जाएगा। न्याय का हक मिलने तक कितनी बार कोई बोल सकता है, कोई नारा है? और ये ना...